देखिए यहाँ पर भी एक रैंडम वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सिग्नल फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के होगा अगर एक्स जीरो है, अगर एक्स वन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू के होगा, अगर एक्स वैल्यू टू है तो थ्री के होगा, और एक्स जीरो वन टू के अलावा कुछ भी है तो जीरो होगा। तो वो कह रहा है पहले के की वैल्यू बताओ। तो क्योंकि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, सिंस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल देयरफॉर समेशन ऑफ पीएक्सआई इज वन। समेशन ऑफ पीएक्सआई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन सॉरी टू टू इज इक्वल टू वन। यहाँ पर क्या है के टू के और थ्री के और जीरो, तो सिक्स के इज इक्वल टू वन, तो के की वैल्यू है वन बाई सिक्स। सिक्स पहला पार्ट हुआ है ना। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, इसे बहुत सारी बातें पूछी है, जैसे मैं आपको एक बीच वाला बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू टू देखो। तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, टू भी आएगा इक्वल टू लगा हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू, तो टू पर तो थ्री के है प्लस और इस पर जीरो, तो थ्री के थ्री इंटू वन बाई सिक्स, वन बाई टू, बाकी दोनों भी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,